हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गेट अनरेडी विद मी, मेरा मेकअप रिमूवल और मेरा स्किन केयर जो कि होने वाला है बहुत झटपट सा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आज के वीडियो में मैं कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी। पॉइंट नंबर वन, आज के वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज करूंगी सभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर करिएगा। और पॉइंट नंबर टू, वैसे तो मैं इन प्रोडक्ट को रेगुलर यूज कर रही हूँ इसलिए मुझे पैच टेस्ट की जरूरत नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो पैच टेस्ट जरूर कर लें जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी और उसके बाद मैं स्किन केयर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ पेरेने कॉस्मेटिक का नरिशिंग क्लींजिंग ऑयल जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। और इसे यूज करने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि मैंने वाटर प्रूफ मस्कारा अप्लाई किया है तो जिसे रिमूव करने के लिए आपको ऑयल या ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर की जरूरत होती है। और सेकेंड रीजन ये है कि अभी मैंने अपने फेस पे जो मेकअप अप्लाई किया है चाहे वो लिपस्टिक हो या बेस मेकअप हो अच्छे से रिमूव हो जाए जिससे कि मैं आगे जो स्किन केयर अपने फेस पे अप्लाई करूं वो मेरे लिए डबल बेनिफिशियल हो, इसलिए मैं ये क्लींजिंग ऑयल यूज करने वाली हूं। तो इसे यूज करने का तरीका जो है बड़ा सिंपल है, आपको हाथ में लेके अप्लाई करना है। इसलिए मैं अप्लाई करूंगी और अपने मेकअप को रिमूव करूंगी, थोड़ा सा मेसी हो जाएगा इसलिए उस टाइम पे हम बात नहीं करेंगे। तो मेकअप रिमूव हो चुका है। फेस वॉश के लिए मैं यूज कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश जो कि है कॉम्बिनेशन ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। और बाय चांस मेरे फेस पे एक बड़ा सा पिंपल निकल आया है। फिलहाल अगर मैं पिंपल की बात करूँ तो मुझे लास्ट टाइम ऐसा बड़ा सा पिंपल कब आया था मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे बड़े पिंपल निकलना बंद हो गए। छोटे छोटे दाने निकल आते थे लेकिन इतना बड़ा पिंपल तो नहीं निकला था। मेरी किसी गलती की वजह से ये निकला होगा बट फिलहाल मुझे याद नहीं है कि ये क्यों आ गया है, इसीलिए मैं स्क्रब नहीं यूज कर सकती हूँ फिलहाल। मैं नहीं यूज करती हूँ, आप यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी मेरे फेस पे पिंपल्स होते हैं खास करके ऐसे खतरनाक, तो मैं कोई भी स्क्रब यूज नहीं करती हूँ, ना तो होममेड और ना ही मार्केट का। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि था फेस वॉश का। अब मैं यूज करूंगी फेस पैक जो कि मैंने बनाया है वायम आयुर्वेदा का लिक्विडाइज पाउडर और एलोवेरा जेल को यूज करके। वैसे ये फेस पैक डार्क स्पॉट के लिए काफी अच्छा है अगर आप ट्राई करना चाहें तो। फिलहाल यूज करने के लिए आप इसे कर्ड में भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं कर्ड में यूज नहीं करती हूँ क्योंकि कर्ड से कभी कभी मुझे, हमेशा नहीं बट कभी कभी मुझे दाने निकल आते हैं। और इस फेस पैक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्ले जो है वो बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसे विंटर टाइम में भी इजीली यूज कर सकती हैं। इसे अप्लाई करके मैं 10 से 12 मिनट तक ही अपने फेस पे रखती हूँ, उसके बाद मैं इसे वॉश कर देती हूँ।
8 से 9 मिनट हुए थे एग्जैक्ट टाइम मैंने फेस पैक जो है वो वॉश कर दिया है, नॉर्मल पानी ही मैंने यूज किया है। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी रोज वाटर। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी टोनर यूज कर सकती हैं, लेकिन मुझे रोज वाटर ज्यादा पसंद है और इस टाइम पे तो मुझे वही प्रोडक्ट यूज करने हैं जो कि मेरी स्किन के लिए सूटेबल हों और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हों। तो अब मैं यूज करूंगी नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट जो कि है मॉइस्चराइजर, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क अल्ट्रा लाइट जेल, क्योंकि इस टाइम पे पिंपल हैं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करना है जो कि लाइट वेट हो बट सेम टाइम पे मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज भी करे। तो मैं सिर्फ यही प्रोडक्ट यूज करूंगी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो स्किन केयर रूटीन है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट स्टेप होता है वैसे तो सनस्क्रीन का, लेकिन आज मैं सनस्क्रीन यूज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं इस पिंपल को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहती हूँ कि इस पे बहुत सारे प्रोडक्ट ना अप्लाई करूँ और मेरी स्किन भी थोड़ा सा रिलीफ ले सके। बट आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करना है चाहे आप घर पे रहें, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमारा स्किन केयर रूटीन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।